ग्रीनस हालांकि मैं जो है अभी अपने कटिंग्स जो लगाई है उसका पार्ट टू डालने वाली थी पर बहुत सारे कमेंट्स जो है वो क्वेरीज को लेकर आए थे तो सोचा आपकी क्वेरीज जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो जो मेरी कटिंग का वीडियो है बाद में डालूंगी अभी आपकी क्वेरीज जो मुझे कमेंट uh, सेक्शन में क्वेश्चन किए गए हैं वो सारे के मैं रिप्लाई कर देती हूँ जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि मॉन्स्टेरा जो है उसको अभी रिपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं देखिए फ्रेंड्स कोई भी प्लांट है आप उसकी अभी कटिंग भी कर सकते हैं प्रूनिंग भी कर सकते हैं इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं कटिंग्स लगा सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं तो मैंने जब ये मॉन्स्टेरा लिया मतलब मॉन्स्टेरा कोई भी हो या कोई भी प्लांट हो तो आप इसकी रिपोर्टिंग अभी भी कर सकते हैं मैंने नहीं की क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जब मैंने इसको खरीदा था इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी और अभी जो है ये इतना बड़ा नहीं है कि रिपोर्टिंग कटिंग या प्रूनिंग करूं और कंपोज अच्छी मात्रा में डाल दीजिए एक बार में ही क्योंकि बार बार इसको जो है फर्टिलाइज नहीं करना पड़ेगा और नीम खली मस्टर्ड केक जो है आपके पास वो डाल दीजिए सीवीड्स डाल दीजिए सीवीड्स जो है इसके वेरीगेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है तो वो डाल के आप जो है इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं अगर प्लांट बड़ा है तो और अगर प्लांट बड़ा नहीं है और देखिए इस तरह से सिर्फ इसकी रूट्स निकली है तो बस आप इसको कट कर दीजिए और प्लांट भी बड़ा है और रूट्स भी निकली है तो रूट्स को कट कर दीजिए इस तरह की सारी रूट्स है उसको कट कर दीजिए जो एरियल रूट्स है और फिर इसकी जो है रिपोर्टिंग कर दीजिए दूसरा क्वेश्चन कि कटिंग कब करनी है तो देखिए मोन्स्टेरास जो है आपने मॉस्टिक पर ही लगाया होगा तो मॉस्टिक तक पहुंच जाए तब तक उसको ग्रो होने दे उसके बाद अगर ओवर ग्रोन होता है तो वहीं से जो है आप कट करके उसको एरियल रूट के साथ ही दूसरा सॉयल मिक्सचर बना के दूसरे पोर्ट में लगा दे ये ध्यान रखें कि आपके एरिया में रेन हो रही है तो थोड़ा सा रेन का पानी जो है इसको देते रहिए पर इसमें ओवर वाटरिंग ना हो इस बात का ख्याल रखें और अगर रेन नहीं है थोड़ा सा हल्का सा जो है सनलाइट मिल रहा है तो उसको अभी सन से बचाइए क्योंकि इस तरह की वराइटीज जो होती है वो थोड़ी डेलिकेट होती है तो रिपोर्टिंग करें कटिंग करें प्रूनिंग करें उसके बाद जो है तुरंत इसको डायरेक्ट सनलाइट के सामने एक्सपोज ना करें और दो तीन दिन रहने दें उसके बाद जो है आप धीरे धीरे उसको सनलाइट से इंट्रोड्यूस कीजिए मेरा सवाल था बल्ब को लेकर कि जो हमारे कैलेडियम्स के बल्ब है या फिर ऑक्जिलियस बटरफ्लाई के बल्ब है वो स्प्राउट नहीं हो रहे हैं तो देखिए कुछ वराइटी स्प्राउट हो जाती है कुछ को देर लगती है अगर कैलेडियम्स या इसके बल्ब ऑक्जिलियस के बल्ब स्प्राउट नहीं हो रहे हैं आपके इसका मतलब है कि रेन जब कंटिन्यूस होगी तो एटमोसफियर थोड़ा सा फ्रेंड्स ठंडा हो जाता है हमको थोड़ी सी ठंडी ठंड थंड़ लगने लगती है तो उस सिचुएशन में बल्ब जो होते हैं वो बहुत जल्दी स्प्राउट नहीं होते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ हो सके तो आप वो फॉलो कीजिए देखिए मेरी कुछ वराइटीज जो है वो स्प्राउट हो गई है कुछ नहीं हुई है तो मैं क्या करती हूँ कि इसको जो है इस तरह से पॉलीथीन जो होती है वो लगा देती हूँ देखिए और अभी देखिए ये स्प्राउट हो गया देखिए ये भी स्प्राउट हो गया और ये भी हो गया तो कुछ वैरायटीज को जो है थोड़ी और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करे बल्ब आपने रख दिया है और थोड़ा सा हल्का सा वाटर स्प्रे करे हो सके तो रेन वाटर कलेक्ट कर ले और इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दे और फिर इसको जो है इस तरह से अच्छे से कवर करके आप किसी ऐसी जगह रखें जहां पर थोड़ी बहुत लाइट भी आए और जो है इसको हवाओं से बचाया जाए क्योंकि मेरे यहाँ तो हवा भी बहुत लग रही है या फिर इस तरह से कोई प्लांट हो उसके पास रख दीजिए दो बड़े बड़े अगर गमले है कोई तो उसके बीच में रख दीजिए वहां पर भी जो है ये अच्छे से इसको ह्यूमिडिटी मिलेगी तो इस तरह की प्लेस में आप इसको इस तरह से रखेंगे तो बल्ब जो है वो धीरे धीरे जो है स्प्राउट्स हो जाएंगे था बटरफ्लाई ऑक्सिलिस को लेकर तो देखिए फ्रेंड्स ऑक्सीलियस को किस तरह से ट्रीट करते हैं तो उसके बल्ब जल्दी स्प्राउट हो जाते हैं उसका ऑलरेडी वीडियो मेरी चैनल पर अवेलेबल है लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी पर अभी बहुत टाइम से आपने लगाए हैं और स्प्राउट नहीं हो रहा है ऐसा एक कमेंट था लगाया है कोकोपीट जो है मैं इसमें यूज़ नहीं करती बल्बस कोई भी प्लांट हो उसके लिए मैं कोकोपीट यूज़ नहीं करती और बहुत सारे जो है इसमें स्प्राउट भी आ गए हैं बहुत सारे बल्ब मैंने यहां से निकाल कर सेपरेट भी लगाए हैं और वो भी मैं आपको दिखाती हूं और ये एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है इसका भी ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला हुआ है पर रिसेंटली अभी आप कोई भी पत्ती निकालेंगे तो ग्रो हो जाएगा थोड़ा धीरे निकालना पड़ेगा अदरवाइज रूट्स अगर है तो टूट जाएगी हालांकि देखा था मैंने रूट्स तो इसकी काफी आ गई है ये देखिए इसकी रूट्स भी आ गई है इसकी लीफ भी आ गई है तो इस तरह से कोई भी बॉटल जो होती है उसमें आप डाल दीजिए मैंने इसको यही बॉटल में डाला हुआ था और ये ग्रो हो गया है एक पत्ती से भी बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएगा इस सीजन में इसको जो है इस तरह से रखिए कि इसको थोड़ी गर्माहट मिले ओवर वाटरिंग ना हो देखिए बहुत छोटे छोटे पोर्ट में ये लगे हैं इसमें तीन बल्ब लगे हैं तो ये तीनों जो है स्प्राउट हो गए हैं तो डायरेक्ट देखिए अभी मेरे यहाँ तो बहुत ठंडी हवाएं भी मतलब पवन चल रहा है तो इस तरह से रखिए कि इसको जो है थोड़ी गर्माहट मिले थोड़ा बहुत बारिश यहाँ से जो है थोड़ी बहुत इस पर गिरती रहे तो ये जो है जल्दी स्प्राउट हो जाएंगे और अगर नहीं स्प्राउट हो रहा है तो जैसे मैंने बताया कि पॉलिथीन से कवर करके आप कर दीजिए उस सिचुएशन में भी बल्ब राउट हो जाएंगे पिंक है इसको भी मैंने इसी तरह रखा है ताकि इसको अच्छी सी ह्यूमिडिटी मिले और यह कटिंग भी लगाई थी तो देखिए इस तरह से रखते हैं तो बहुत ही जल्दी ये ग्रो करता है उस सिचुएशन में पानी जो है बहुत नहीं देना है क्योंकि जब आप इसको पॉलीथिन से कवर करेंगे तो इसकी बाफ जो है पॉलीथिन में ही आएगी और पॉलीथिन से जो है इसको ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी मतलब पानी मिलता रहेगा तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएंगे तो इस तरह से जो है आप दूसरे प्लांट जो है उसको भी ट्रीट कर सकते हैं को लेकर पूछा गया था कि इसकी कटिंग अभी तो लगा सकते हैं कि नहीं तो देखिए फ्रेंड्स मैं तो बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड एटमोस्फियर से हूँ और मेरे यहाँ भी एक एक डेढ़ महीने से धूप तो निकली नहीं है पर मेरा मानना है कि आप जो है थोड़ा सा विंटर तक रुक जाइए बहुत ही आसानी से सिकुलेंट्स की जो है कटिंग्स लग जाएगी बहुत से लोगों का फ्रेंड्स क्वेश्चन होता है कि गमला जो है कभी कभी गिर जाता है कुत्ते बिल्ली गिरा देते हैं कभी कभी जो है पवन की वजह से भी गिर जाता है तो उसके बाद प्लांट को कैसे ट्रीट करें तो सबसे पहले अगर कोई भी प्लांट आपका इस तरह से निकल गया है तो उसकी अगर लीव टूटी हुई है या कोई स्टैम्प टूट गई है तो उसको जो है आपको रिमूव कर देना है और प्लांट जो है उसको कंप्लीटली शेड में रखना है मॉनसून है या कोई भी जो सीज़न है तो उस समय आप उसको शेड में रखिए और उसको जो है एप्सम सॉल्ट जो होता है वो थोड़ा सा डाल दे और उससे वाटरिंग करके दूसरे पौधों के बीच में जो है इस तरह से रख दे ये जो मैंने रखा है इस तरह से रख दे दूसरे पौधों के बीच में तो प्लांट जो है Uh, कोई भी सीजन uh, होगा अच्छे से सरवाइव कर लेगा बस जो है उसमें वाटर जो है मॉडरेट कीजिए ज़्यादा पानी ना दीजिए क्योंकि प्लांट शॉक में होता है उस समय उसकी रूट जो है वो काम नहीं करती है कंटिन्यू पानी देने से रूट जो है वो रॉट uh, हो जाएगी और इसको सनलाइट से इंट्रोड्यूस uh, ना करें सन के सामने एक्सपोज ना करें उसको शेड में कुछ दिन रहने दें धीरे धीरे जो है सन से इंट्रोड्यूस करवाए आपका प्लांट जो है फिर से ग्रो uh, हो जाएगा सकुलेंट्स जो है उसका कोई गमला टूटा है या फिर नीचे गिर गया है तो फिर उसको कैसे ट्रीट करें तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने जो कटिंग्स की वीडियो आपको बताई थी बस उसी तरह उसको रखना है अच्छे से फंगीसाइड लगा दे दोनों कटिंग्स पर जहां से टूटी हुई है और एरियल रूट्स भी निकले होंगे अभी तो वहाँ से भी आप कट करें तो जहाँ से कट किया है वहाँ पर भी फंगी साइड लगा दें जो कटिंग्स निकाली है उसको भी फंगी साइड लगा के होने दे। ड्राई होने दें एकदम ड्राई सॉयल जो होगी उस ड्राई सॉयल में उसको लगाए तीन चार दिन जो है पानी ना दे और फिर तीन चार दिन बाद थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे करें और धूप निकल रही है तो थोड़ा थोड़ा उसको सनलाइट दे इस तरह से जो है सेकुलेंट्स की भी जो है कटिंग आप लगा सकते हैं होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स भी कुछ क्वेरी रह गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा